हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मगर फिर से। तो गाइस, आज मैं निकला हूँ फूड डिलीवरी करने डोरडैश। ओके, तो अगर इस ये पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पे फूड डिलीवरी के रिलेटेड, अगर इससे अच्छा सपोर्ट आया इस वीडियो पे तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और जिससे आप लोगों को पता चलते रहे कि एक्चुअली अर्न कितना होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब पहली बार आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो आते ही जो सबसे पहला काम वो कर सकता है फूड डिलीवरी का, तो उसके लिए वो कितना अर्न कर सकता है। ओके, तो चलिए निकलते हैं। अभी मेरा एक ऑर्डर आ गया है, मैं आप लोग को वो ऑर्डर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर आया है मैकडॉनल्ड्स से पास में ही है, और इसके हम लोग को मिल रहे हैं $5। मैं कर रहा हूँ गाइस स्कूटी पे डिलीवरी शुरू। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग आते ही जब स्कूटर रेंट पे लोगे तो कितना अर्न कर सकते हो आप एक स्कूटी से। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मिलते हैं आपको मैकडॉनल्ड्स में। गाइस, तो मैं मैकडॉनल्ड्स आ चुका हूँ, चलिए खाना उठाते हैं और फिर आप लोग को दिखाता हूँ कैसे डिलीवरी किया जाता है। गाइस, तो मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया है। ओके, और ये रहा, आप लोगों को मैं अपना स्कूटी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा स्कूटी जिस पर मैं डिलीवरी करता हूँ। ठीक है गाइस, और आप लोग जैसा कि देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे कंफर्म पिकअप का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप लोग स्टोर में अराइव करते हो वैसे ही आप लोग को दिखा देता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आकर सीधा कन्फर्म पिकअप कर सकते हो। ऑर्डर कन्फर्म, देखिए आप लोग को दिखा देगा कहीं कहाँ जाना है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो, देखिए डायरेक्शन दिखा देगा। तो गाइस, चलिए मिलते हैं सीधा लोकेशन पे, और उसके बाद कोई डिलीवरी आता है तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो पहला डिलीवरी हो चुका है, तो जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट डिलीवरी कर दूंगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुझे मिल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर ये देखने लगेगा, खुलने लगेगा नया नया ऑफर सब। गाइस, तो डिलीवरी करना इतना कोई हार्ड काम नहीं है। ओके, आप लोग को सिर्फ रेस्टोरेंट से पिकअप करके ले जाके कस्टमर का वहाँ पे ड्रॉप करना होता है। बेसिकली ज़्यादातर क्या, कोई भी कस्टमर होता है जो बाहर निकला था तो उन लोग को हाथ में देना होता है, वरना आप लोग को सिर्फ सिंपल उन लोग का गेट पे जाके ड्रॉप कर देना होता है, और फिर वहाँ से वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से कंप्लीट डिलीवरी कर देंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कुछ कुछ में ऐसा होता है कि आप लोग को फोटो भी देना पड़ेगा। ओके, कि आपने डिलीवरी जो कम्प्लीट किया है उसका फोटो भी देना पड़ेगा। आप लोग को मैं यहाँ का सीन दिखाता हूँ। गाइस, तो दूसरा डिलीवरी में मैंने पिकअप कर लिया है, तो मिलते हैं आप लोग को सीधा लोकेशन पे। ओके, गाइस, तो जैसा कि अब मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर कोई कस्टमर लेने वाला नहीं हो तो आप लोग ऐसे ही डोर पे छोड़ सकते हैं, और साथ ही जब लोग आप लोग कंप्लीट करेंगे डिलीवरी तो आप लोग को दिखाएगा कि फोटो लेने का, तो आप लोग फोटो लेके भी वो भेज सकते हैं। ओके, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ डिलीवरी का। बेसिकली यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक डिलीवरी होने के बाद दूसरा डिलीवरी का कुछ देर वेट करते हैं, और नहीं आता है तो ऐप में ही हम लोग को दिखाता है। आप लोग देख सकते हैं ऐप में कि मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा लोकेशन है। ओके, और यहाँ पे आप लोग ये रेड जो सर्कल देख रहे हैं, रेड जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया मतलब कि हॉटस्पॉट जोन होता है बेसिकली। तो इस हॉटस्पॉट जोन में अगर आप लोग जाएंगे तो डिलीवरी मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही हॉटस्पॉट जोन में चले जाते हैं। ओके, हॉटस्पॉट जोन में जाने के बाद ही उन लोग को अच्छा से डिलीवरी मिल पाता है। जो लोग वेट नहीं करना चाहते हैं तो लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग को नॉर्मल डिलीवरी से जल्दी डिलीवरी मिलेगा। गाइस, तो मैं आ गया हूँ नया डिलीवरी उठाने। ओके, और इसके बाद भी और एक पिकअप है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार आप लोग को 1 से 2 डिलीवरीज भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये डिलीवरी उठाए कम्प्लीट करते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट डिलीवरी पे। डिलीवरी पिकअप हो चुका है गाइस। ठीक है, तो अभी जा रहा हूँ मैं नया डिलीवरी उठाने के लिए। आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं देखिए, अब मुझे दूसरी जगह पे जाना है फिर से डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्शन शो होने लगेगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ नया लोकेशन पे पिकअप करने के लिए। ऑर्डर पिकअप डन, डिलीवरी डन। ओके गाइस, तो और एक डिलीवरी हो गया है। अब ये लास्ट डिलीवरी करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे, अगर इच्छा किया तो करेंगे और डिलीवरी। ऑर्डर डिलीवर्ड गाइस। तो अभी मैं कुछ देर से खड़ा हूँ, लेकिन मैं खड़ा हुआ लगभग 10-15 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कभी कभार ऑर्डर आता है कभी कभार नहीं आता है, तो अभी वीकडेज है तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मुझे काम भी है। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट आ गया, बहुत अच्छा व्यूज़ आ गया, तो हम लोग किसी दिन और बहुत ज़्यादा देर तक डिलीवरी करेंगे, जिससे आप लोग को 2-3 घंटे या 4 घंटा का आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बनता है कितना नहीं। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ घर क्योंकि मुझे कुछ काम भी है, और रास्ते में अगर कोई डिलीवरी आ गया तो करते हुए निकलेंगे। और अगर गाइस नहीं आया तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कुछ भी सवाल है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और गाइस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही बैड न्यूज़ चल रहा है कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने बस आप लोग को एक वहाँ से हटाने के लिए माइंड आप लोग का ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए गुड बाय।